अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज रेसिपीज़। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स की बड़ी इजी रेसिपी देने जा रही हूँ। झटपट तैयार हो जाती है ये सब्जियाँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज रेसिपीज़। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल्स की एक बड़ी आसान सी और झटपटी सी रेसिपी देने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने फूल गोभी का एक फूल लिया है, इसको मैंने काट लिया है। ये जाएगा इसमें तकरीबन तीन मैंने दमैन साइज के इसमें आलू लिए थे, ये जाएंगे इसमें। काट लिए, नमक वाले पानी में डिप करके रख दिए हैं इसको। दो से तीन मैंने गाजर लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें धनिया ज़्यादा यूज़ होगा, इसके अलावा और सूखी मेथी यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं। आप चाहें तो आम ताज़ी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। टू टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तीन से चार टमाटरों की मैंने प्योरी बनाई है, वो यूज़ करूँगी। तीन से चार दमैन साइज के प्याज हैं, बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिए हैं, ये जाएंगे इसमें। इसकी स्पेशल मसालों में आप कह सकते हैं कि मैं राई यूज़ कर रही हूँ। राई से एक बड़ा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है सब्जियों में, तो वन टीस्पून सिर्फ मैंने राई यूज़ कर रही हूँ। इसके साबुत सॉरी पिसे हुए मसालों में वन टेबलस्पून नमक, वन टीस्पून लाल रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, वन टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, साबुत जीरा भी यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं। इसके अलावा एंड पे मैं इसमें गरम मसाला यूज़ करूंगी। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले ऑयल हमारा गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें राई डाल दें। थोड़ा सा सौते करें इसको। जैसे ही आपको इसकी थोड़ी कड़कड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो जाए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करें और साथ ही प्याज डाल लें। प्याज को थोड़ा सा पिंक कलर भी आने दें। प्याज हल्का सा नरम हो गया है, हल्का सा उसने कलर चेंज कर लिया। आप सूखी मेथी डाल दें। सूखी मेथी मैंने धो के रखी हुई थी अच्छी तरह से पानी निकाल के। मसाले डाल दें, सारे पिसे हुए मसाले डाल दें। एंड पे मैं इसमें गरम मसाला यूज़ करूँगी, मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सब्जियों में कम से कम पानी यूज़ किया जाए। एक सब्जियाँ अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। टमाटरों में भी पानी होता है, तो हमें इसकी प्योरी है तो भुनाई कर दें अच्छी तरह से। टमाटरों की भुनाई हो गई है, अब सब्जियां डालना शुरू करें। सब्जियों में सबसे पहले गाजर डालें, क्योंकि गाजर जो है वो देर से गलती है। आप ना अपनी मर्जी से जो मर्जी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, बीन्स यूज कर सकते हैं। हरी मिर्ची मैं इसमें बाद में डालूंगी। गाजर भी बनाई हो गई है, अब इसमें गोभी डाल दें। साथ ही आलू डाल दें।
आधा कप मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि गाजरों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जो सब्जियां हैं वो अपना पानी खुद छोड़ेंगी। अभी से सब्जियों ने जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। आधी प्यारी में इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको लिड दे के रखने लगी हूँ तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। उतनी देर में हमारी सारी सब्जियाँ जो है वो गल जाएंगी, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तकरीबन 35 मिनट बाद जो है मैं इसे चेक कर रही हूँ, सब्जियाँ हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। मैंने बीच में भी एक मरतबा इसको चेक किया था, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। तकरीबन 35 मिनट बाद मैं इसकी लिड खोलने लगी हूँ। मैंने बीच में एक मरतबा चेक किया था, सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला यूज़ करूँगी अब, और धनिया भी नीचे डाल दें। मिक्स वेजिटेबल्स में हमारी बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइए। और प्लीज़ कमेंट्स भी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।